हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरी किचन में आपका स्वागत है। मैं सोफिया। आज हम बनाएंगे अंडा पालक करी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर आती है और स्पेशली ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने इसके लिए लिया है पालक के, मैंने हाफ के जी लिया है और इसका वेस्टेज निकाल के ये 400 ग्राम होगा। और इसमें मैंने ली है 4 हरी मिर्चें, बड़ी हैं, अगर छोटी हो तो आप 5 से 6 लिएगा। इसको मैंने काट रखा है। 6 मैंने इसके अंदर अंडे लिए हैं, इसे मैंने बॉइल कर रखा है। जो हमने पालक लिया है इसमें आप 6 से लेकर 10 तक अंडे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम पालक को बॉईल करेंगे। तो बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं कर रहा है, पानी उबल रहा है। इसे हमें सिर्फ 2 मिनट मुश्किल से इसको गर्म पानी में बस बॉईल करना है। इसको दो मिनट के बाद हम फौरन गैस ऑफ कर देंगे और पालक को निकाल लेंगे ठंडे पानी के अंदर। इसे हमें सीधे ठंडे पानी में डालेंगे। यहाँ मैंने पालक को ठंडे पानी में डाल दिया है। सर्दियाँ चल रही हैं इसलिए मैंने नल का ही पानी लिया है। अगर गर्मी है तो आप आइस वाटर का यूज़ करें, पानी के अंदर आइस क्यूब डाल दें। तो थोड़ी देर हम इसके अंदर इसको डला रहने देते हैं, ठंडा होने देते हैं। जब तक पालक ठंडा हो रहा है हम मसाले देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसे मैंने चॉप कर रखा है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको भी मैंने फाइन चॉप कर रखा है। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप इसमें दही का भी यूज़ कर सकते हैं, 3 टेबल स्पून दही का। 1 टेबल स्पून लिया है मैंने इसमें कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून ही लिया है मैंने इसमें धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लिया है गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून लिया है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लिया है फुल मैंने नमक, 1 टेबल स्पून लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टीस्पून लिया है इसमें मैंने रेड चिली पाउडर फुल। थोड़ा सा हम इसमें अंडे फ्राई करते में ये डालेंगे। तो यहाँ मैंने लिए है 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च एंड 1/4 टीस्पून हल्दी। जार लेंगे और पालक को हम हल्का सा स्क्वीज करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, जिससे कि पालक आसानी से पिस जाए। इसको थोड़ा सा खोल के डालेंगे। हम इसका फाइन पेस्ट बना लेते हैं। पालक का मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है और यहाँ मैंने अंडे छील लिए हैं। तो अंडे में हम थोड़ा सा कट लगा लेंगे, आप चाहें तो इस तरीके से लगा लें, बहुत ज़्यादा गहरे भी नहीं होने चाहिए दोनों साइड से, जिससे कि मसाले का टेस्ट अच्छे से अंडे के अंदर तक जाए। पैन में मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, तो ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए जिससे अंडे एकदम से फ्राई होकर आ जाए और पैन में छिपके नहीं। तो सारे हम अंडे इसके अंदर डाल देंगे। पैन को बस हम हिलाते जाएंगे और अंडे खुद ही फ्राई होते जाएंगे घूम घूम के। जब अंडे फ्राई होने पर आ जाएंगे तो हम डाल देंगे इसमें हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च। पैन को हिलाएंगे इस तरीके से, अंडे को उलट पलट कर दीजिए, इससे अंडे पे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। अंडे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, हम इन्हें बाहर निकाल देते हैं। कढ़ाई में मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है, यानी कि 1.5 बिग स्पून। इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1 क्यूमिन, सिनेमन स्टिक एंड 3 लाल मिर्चें। हल्का से फ्राई करेंगे और इसमें डाल देंगे हम प्याज। प्याज को फ्राई करेंगे हम पिंक होने तक। प्याज पिंक होना स्टार्ट हो गई है, यहीं पर इसके अंदर हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और साथ में टमाटर, हल्का सा फ्राई करेंगे बस, और बाकी सारे मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे, जिसमें हमने अंडे फ्राई किए थे वो ऑयल हम इसके अंदर डाल देते हैं।
हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर पालक का पेस्ट ऐड कर देंगे और बाउल में थोड़ा सा पानी डाल के इसको क्लीन कर लेते हैं। पालक को हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि इसमें से ऑयल एकदम रिलीज नहीं हो जाए, तो इसे हम कवर करके इसको भूनेंगे पालक को। बीच में हम इसे चलाते जरूर रहेंगे जिससे ये नीचे जले नहीं, तो मसाला भुनने पर ही आता जा रहा है। थोड़ा सा हम इसे और भूनेंगे अभी, तो कवर करके भूनिएगा जिससे छींटे नहीं उड़े। पालक अच्छे से भुनने पर आता जा रहा है, तो यहीं पर हम इसके अंदर अंडे ऐड कर देंगे। अंडों के साथ थोड़ी देर इसको भूनेंगे। लास्ट में हम डाल देंगे गरम मसाला और कसूरी मेथी रब करके। कसूरी मेथी से बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आ जाता है और टेस्ट। थोड़ा सा और इसको 2 मिनट के लिए हम और पकाएंगे। मसाला अच्छे से भुन गया है, तो यहाँ पर हम गैस ऑफ कर देंगे। आप देख रहे हैं कि ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें आप 10 से 12 अंडे इजीली डाल सकते हैं। तो गैस हम ऑफ कर देते हैं और इसको बाउल में निकाल लेते हैं। ये अंडा पालक एग करी बनकर रेडी है। आप इसे प्लेन रोटी के साथ खाएं या इसे रुमाली रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं और इसे एंजॉय करें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, गुड बाय, हैव अ गुड डे।